अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और दोस्तों आज हम दिन भर के अपडेट्स लेने वाले हैं, और दोस्तों बात करेंगे कि कल सुनवाई में क्या फैसला आ सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी काज लिस्ट जारी हो चुकी है, जैसा कि आपने देख चुके हैं पहले वीडियोस में हमने आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, आप लोग के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे कि क्या सरकार कोई ऐलान करेगी। जी हाँ दोस्तों, नौकरी को लेकर दोस्तों सरकार क्या अपना रुख साफ कर सकती है कल। तो काफी दिन बाद दोस्तों आप लोग की 2 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। आप लोग को दोस्तों जैसा कि पता है कि भाई अब कल आपका शुक्रवार पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार के बाद दोस्तों सभी बच्चों को पता है कि सैटरडे और संडे आपका कोर्ट बंद रहता है, 2 दिन की छुट्टी होती है। तो उसके बाद दोस्तों उम्मीद सभी बच्चों को सरकार से भी कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार कोई ऐलान करे जिससे कि उनके नौकरी का रास्ता साफ हो सके। अब दोस्तों देखिए, सुनवाई से पहले अपना सेफ जोन समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कितने नंबर पर आपको नौकरी मिलेगी। काफी बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर 40-45 जीते, कुछ बच्चे कहते हैं 60-65। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर 40-45 जीतेगा तो कल क्या आपको नौकरी लग जाएगी, या अगर 60-65 जीतेगा तब क्या आपकी नौकरी लगेगी। देखिए दोस्तों, दोनों में अलग अलग मामला है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके जिनके लिए कोई मैटर नहीं करता, 40-45 पर भी उनको नौकरी मिलेगी और 60 और 65 पर भी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों कट ऑफ या दोनों सेफ जोन को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपके इससे कम नंबर है तो आप लोग नौकरी पाना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों समझिए, आपको नौकरी कब मिल सकती है इसे जाने, 40-45 या 60-65। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे इस पर कंफ्यूजन में। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आज बताया जाएगा कि अगर आप लोग 60-65 के पक्ष में कब नौकरी मिलेगी और 40-45 के पक्ष में कब मिलेगी। अब दोस्तों देखिए, अब बात करेंगे विज्ञप्ति के बारे में कि जाने विज्ञप्ति किसके पक्ष में है। देखिए दोस्तों, अगर आपने विज्ञप्ति पढ़ा हो, जैसा कि आज हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विज्ञप्ति में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, विज्ञप्ति में क्लियर लिखा है कि वहां पर किसी भी प्रकार की आपको कट ऑफ या पासिंग मार्क को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। और दोस्तों हम उम्मीद करेंगे जो कल आपकी सुनवाई होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पासिंग मार्क को लेकर होनी चाहिए। तो काफी बच्चे करेंगे यार पासिंग मार्क से क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर पासिंग मार्क को लेकर सुनवाई नहीं होती तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि पासिंग मार्क को लेकर दोस्तों सुनवाई होगी तो एक रास्ता साफ हो पाएगा कि आप लोग के आने वाले टाइम में 40-45 कट ऑफ लगाई जाएगी कि 60-65। अगर दोस्तों वहां पर देखिए बीएड को हटाओ मामला चलने लगता है या भरांग मुद्दा उठता है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, आपका केस लेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केस में हमें समय बर्बाद करने के लिए समय हमारे पास बचा भी नहीं है। काफी समय दोस्तों हमने वैसे वेस्ट कर चुके हैं। आप लोग को पता होगा कि ये शिक्षक भर्ती फरवरी माह में समाप्त हो जानी चाहिए थी, मतलब सभी को ज्वाइनिंग लेटर फरवरी माह में मिलना था, लेकिन समय इतना ज्यादा लग चुका है। अब दोस्तों कोई बच्चा नहीं चाहता कि यार और समय लगे, तो सभी बच्चे यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला निकल कर आए, ठोस फैसला आए, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों को नौकरियां जल्द से जल्द मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोग को नौकरी जल्द से जल्द तभी मिल पाएगी जब सरकार भी अपना पक्ष अपना रुख साफ करेगी कि आगे चलकर वो कैसे आपको नौकरी देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो सभी बच्चों को दोस्तों यही उम्मीद है कि यार सरकार अपना रुख अब साफ कर दे कि किस हिसाब से किस बेस पर नौकरियां आपको मिल सकती हैं। तो सेफ जोन दोस्तों हमने बोला था इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए आपको निकाल कर बता देते हैं। काफी बच्चों को अभी नहीं पता है, बच्चे भूल चुके होंगे। तो देखिए, तो आप लोग का जो गुणांक बनेगा वो कैसे बनेगा दोस्तों, अगर आपको ये भी भूल गए हो तो इसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको गुणांक कैसे बनाया जाएगा। देखिए गुणांक में सबसे पहले सभी बच्चों को पता होगा कि अगर आपने 10th क्लास पढ़ रखा है तो 10th क्लास को दोस्तों आपको 10% नंबर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप एक तरह से समझिए, मैं एक मानक आंकड़ा लेते हैं सभी बच्चों को, जैसे आइडियल मान लेते हैं सभी बच्चों ने 70% हाई स्कूल मिलाया है, जिसका 10% आपका 7 नंबर होता है या 7 अंक का गुणांक। अब दोस्तों उसके बाद आप लोग का 10 के बाद 10वीं के बाद आपका आता है 12वीं क्लास, 12th आता है। तो दोस्तों उसके 10% में मान लेते हैं आपने फिर से 70% ले आते हैं, तो इसका दोस्तों 10% आपका 7 नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों तीसरी क्या आती है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर आपने 60% अंक लाए तो इसका आपका 6 अंक लिया जाए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका बीटीसी या बीएड, जी हाँ दोस्तों उसके अलावा तो कुछ होता नहीं, बीटीसी या बीएड होगा। तो दोस्तों अगर आपने बीटीसी या बीएड में मान लेते कि अगर आपने 80% अंक ले आते हैं तो इसका दोस्तों कितने अंक लिया जाएगा, 8 नंबर। क्योंकि देखिए जो भी 10% का मतलब क्या होता है कि आप लोग उसको सीधे 10 से भाग कर दीजिए, तो हमने 80/10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो दोस्तों ये आपके एकेडमिक बन गई, तो जोड़ लेते 7, 7, 14, 6, 20, 8, 28 नंबर। तो दोस्तों ये आपका 28 अंक का गुणांक एकेडमिक बन गया। हर एक बच्चे का औसत ऐसा ही कुछ होगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि आप लोग औसत जो ला रहे हैं वो 28 अंकों की ला रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सुपर टेट की, ये जी हाँ दोस्तों एस टी ई टी,
अगर दोस्तों वहां पर आपने 150 अंकों का जिसमें पेपर हुआ था, अगर उसमें आज आपके 100 अंक आ रहे हैं, तो 100 का दोस्तों हमें 60% अंक चाहिए होगा। तो 60/150, 10 से 1 0 कट गया, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 होता है दोस्तों 10 चौके 40। तो दोस्तों 40 अंक का गुणांक आपको यहाँ से बनता है, 28 अंक का यहाँ से। तो आपको 40 + 28 क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जोड़ देते दोस्तों कितना हो गया, 8 4 2 6। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आपका 68 अंक का गुणांक बन रहा है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या 68 नंबर पाकर हम नौकरी पा सकते हैं 2019 में आज की डेट में? देखिए दोस्तों, आप लोग का जो फॉर्म भरा गया था वो 4 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था, 4,10,000 से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अगर आपके 68 अंक का गुणांक बन रहा है, तो दोस्तों देखिए कुछ कैटेगरी होंगे रिजर्व, जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं ST कैटेगरी, इन बच्चों को तो आग बंद करके गारंटी दोस्तों हम ले सकते हैं कि 68 अंक पर इनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए ST कैटेगरी धीरे धीरे क्या होगा, हमारी गारंटी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि ST कैटेगरी में बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, तो नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी आती तीसरे नंबर पर OBC और चौथे पर आती जनरल। तो दोस्तों जनरल में अगर आप लोग 68 अंक का गुणांक बनाते हैं, तो नौकरी पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मुश्किल क्यों होगा, अगर दोस्तों आप लोग की कट ऑफ 40 और 45 लगाई जाती है, तो आप लोग सोच लीजिए दोस्तों कि अगर 40 45 पर 68 नंबर पर नौकरी पाना तकरीबन असंभव हो जाएगा दोस्तों जनरल के बच्चों के लिए। लेकिन OBC SC और ST तीन कैटेगरी में बच्चों को एक चांस मिल सकता है कि वो सभी जिलों को मतलब अप्लाई कर दे, तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी बन सकती है। तो ये बात दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों अब बात आती है कि आपको नौकरी कब तक मिल सकती है, इसे जाने। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको जो नौकरी कब मिल सकती है, तो बात आपका क्लियर है कि आपको नौकरी 60 और 65 पर मिलने की संभावना अधिक है, जिन बच्चों के 90 और 97 से अधिक अंक आते हैं। अब दोस्तों कब तक मिल सकती है, तो इसका सही आंसर यही होगा जब दोस्तों आपका मामला डबल बेंच से सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग चाहें तो बहुत ही जल्दी जीत सकते हैं, खाली सबका कंसंट्रेशन एक चीज होता है, पासिंग मार्क को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों सिर्फ एक मुद्दा यहाँ पर आ जाए कि पासिंग मार्क हर दिन सिर्फ पासिंग मार्क पर बहे, तो डेफिनेटली दोस्तों इस मामले को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ जब मामला आपका जाता है, तो वहां पर नए नए मामले और आ जाते हैं, जैसे कि आपका BEd हटाओ मामला आता है, BTC मामला आता है, शिक्षा मित्रों का भारांक मामला आता है, पेपर आउट मामला आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके कई मामले सामने आते हैं, जिसके बाद जज साहब भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, वो भी सोचेंगे यार कितने मामले। तो इसलिए आपको एक नई डेट दे दी जाती है कि आपका जो दोस्तों नए नए मामले हैं, तो उस पर अच्छे से एनालाइज किया जा सके और उसकी डिटेल्स को दोस्तों और अच्छे से समझा जाए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग की जो शिक्षक भर्ती है वो लेट होती जा रही है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो शिक्षक भर्ती कल आपकी सुनवाई होने वाली है, उसमें एक पॉजिटिव हमें फीडबैक देखने को मिले, मतलब फीडबैक तो दोस्तों हम देंगे, लेकिन आपको एक पॉजिटिव नजरिया देखने को मिल सकता है कि आप लोग को ये पता चले कि आपकी शिक्षक भर्ती कितने और दिन चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे दिन काट रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि यार कितने दिन। तो दोस्तों हमें हो सकता है कि कल ये पता चल जाए कि कितने और दिन हमें शिक्षक भर्ती का इंतजार करना है कि ये शिक्षक भर्ती समाप्त हो। देखिए सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कुछ भी हो, लेकिन हमें नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर कट ऑफ कुछ भी होने का मतलब, अगर ये समझिए आप कि अगर आप दोस्तों आज की डेट में अगर आपके 90 अंक बनते, समझिए पहले 90 अंक दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बनाते हैं, अगर 40-45 कट ऑफ लग जाती है, तो आपकी नौकरी पाना लगभग असंभव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जिन बच्चों ने 110 से अधिक नंबर बना रखे हैं सुपर टेट के पेपर में, तो वो तो चलिए सही है, बधाई के पात्र हैं, उनकी नौकरी तो लग जाएगी कहीं ना कहीं आसानी से, क्योंकि 110 नंबर का दोस्तों सीधा मतलब होता है 44 अंक आपकी सुपर टेट से बन जाएगा गुणांक। उसके बाद दोस्तों अगर आपने बहुत ही खराब कंडीशन में कैसे BTC या कुछ भी कर रखा है, तो सोच लेंगे दोस्तों 26 अंक तो आपके कहीं ना कहीं से बन ही जाएंगे। तो 26 और 44 दोस्तों जोड़ते हैं 6 4 10 4 2 6 7, तो दोस्तों 70 अंक का गुणांक आपका सफिशियंट होगा कहीं पर भी नौकरी पाने के लिए। तो ये बात दोस्तों डिपेंड्स करेगा कि आपने BTC BEd या कोई भी डिग्री दोस्तों आपने जो ले रखी है ग्रेजुएशन से लेके इंटर हाई स्कूल, आपने वहां पर कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो जिन बच्चों ने दोस्तों अच्छे अंक लाए हैं, उनको सुपर टेट में ज्यादा नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के दोस्तों नंबर कम है, तो उनको सुपर टेट में अच्छे अंक लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको नौकरी पानी है, तो सुपर टेट में अच्छे अंक लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कल क्या आपका फैसला आ सकता है, और दोस्तों उस पर हम लोग पूरी नजर बने रहेगी। तो सुबह से दोस्तों हम लोग लाइव होंगे, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा कि कल सुबह से आपके लिए लाइव सेशन होगा, जिसमें दोस्तों आप लोग की कोर्ट के पल पल के अपडेट्स आप लोग देख पाएंगे कि कोर्ट में क्या चल रहा है, कौन सुनवाई कर रहा है और कहाँ पर क्या क्या मामला हो रहा है। तो दोस्तों कल आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, और आप लोग अपना
जो भी दोस्तों आप लोग लाइव चैट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन हो उससे दोस्तों हम लोग सीधे डिस्कस कर पाएंगे, और आप दोस्तों क्वेश्चन को अदर बच्चे भी देखेंगे तो इससे ये फायदा होगा हमें कि आप लोग जो क्वेश्चन आएंगे उसका रिप्लाई अदर बच्चे भी कर पाएंगे, तो ये अच्छी चीज होगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कल आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, और दोस्तों हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो कल सुनवाई हो उसमें आपके मतलब कोई डिसीजन निकलने लायक आपकी बात आगे बढ़ सके, नहीं तो पिछली बार की तरह दोस्तों ऐसा ना हो कि आप लोग को सीधे 1 महीने का डेट अगली मिल जाए। और दोस्तों हम पहले से उम्मीद करेंगे कि हम लोग का कोई नई डेट नहीं चाहिए, जो हो कल हो जाए, और दोस्तों उसके बाद 2 दिन की छुट्टी के बाद एक नई डेट मिले जिससे कि आप लोग के आगे की सुनवाई बढ़ सके। लेकिन दोस्तों सभी बच्चे अब यही चाहते हैं कि अब ये शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए, कट ऑफ कुछ भी लगा दी जाए या पासिंग मार्क जो भी लगना सही हो, जो भी मतलब विज्ञप्ति के अनुसार हो। देखिए विज्ञप्ति में फिलहाल कट ऑफ या पासिंग मार्क को लेकर कोई बात नहीं कही गई, तब भी दोस्तों सभी बच्चे यही चाहते हैं कि जो विज्ञप्ति के अनुसार हो उसी कट ऑफ को लगाकर ये शिक्षक भर्ती को समाप्त कर देना चाहिए। और सुनवाई से पहले दोस्तों आप लोग ने अपना सेफ जोन समझ लिया है कि आपको कितने नंबर पर नौकरी मिल सकती है, तो दोस्तों देखिए बात सिंपल थी है। अगर आप एक चीज समझ लीजिए, अगर जनरल कैटेगरी में आप कम से कम नहीं तो 74+ नंबर लाते तो आप पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आप 65 से अधिक नंबर लाएंगे तो सेफ कहलाए जा सकते हैं। एससी में दोस्तों 60 से अधिक, और दोस्तों अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए भी 60 से अधिक नंबर या गुणांक आपको बनाने पड़ेंगे नौकरी पाने के लिए। तो दोस्तों कुछ आपके सामने ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है। तो दोस्तों चलिए कल सुबह लाइव मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना आपको, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं कल, कल सुबह का इंतजार करते हैं।